टूरिस्टिक प्लेस पे अगर आप जाते हो तो उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बोनस में क्या मिलता है वो ये सारा चैनल आपको प्रोवाइड कराता है। बिकॉज बजट तो हर जगह आएगा भाई, आपको सस्ता भी मिल जाएगा और बढ़िया चीज़ मिलेगी। इस होटल से मुझे तो पहले ही लुक में बहुत पसंद आया, बाकी यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। ये काफ़ी पुराने ज़माने का घर दिख रहा है, ये क्या है भाई, ऑफ बीट लोकेशन का फ़ायदा, यहाँ से पूरा नया शिमला दिखाई दे रहा है। रास्ता जाता है सीधा चंडीगढ़। गुड मॉर्निंग गाइज, आपका एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है और आज हमारा डे 3 है शिमला में। तीसरा दिन है मॉर्निंग, आप देख सकते हो कितनी हसीन है, ज़बरदस्त। यहाँ अपनी ब्रेकफास्ट की प्लानिंग चल रही है, बाकी आप देख सकते हो बहुत ही अल्टीमेट वेदर हो रखा है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है ना चिनार का पेड़ है, ये शिमला में बहुत ही कम, वैसे रेयर आप लोग अगर गूगल करोगे तो बहुत ही रेयर ये पेड़ मिलता है। चिनार का पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आप अंदर भी बैठ के खा सकते हो, बाहर भी बैठ के खा सकते हो। बाय द वे, आज हम दो दिन से, हमने कल जो ब्रेकफास्ट किया था वो किया था रूम के अंदर, बट आज का जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ करेंगे। कोशिश ये करूँगा आज की, आज मैं चलूँ आप लोगों को थोड़ा सा लोकल मार्केट दिखाऊँ, और लोकल मार्केट भी दिखाऊँगा, जो भी अनएक्सप्लोर चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। मिनी का वेट करते हैं, मिनी आने वाली है। सुनो, यहाँ नहीं, यहाँ बैठेंगे, क्यों, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है इसके ऊपर, हाँ यहाँ आराम से बैठेंगे। हमारे अशोक जी काफ़ी हेल्प ये करते हैं, मतलब इनकी जो सर्विस लगी काफ़ी अच्छी लगी, कोई बात नहीं है, मैंने अलाउ कर रखा था इसके लिए, डोंट वरी। और अभी हमारे जस्ट टिश्यू उड़ के यहाँ नीचे चले गए, इतनी तेज हवा चल रही है। आज कुछ मॉर्निंग का ऐसा सीन है, अभी जस्ट हिडन प्लेस पता चला है। वो हिडन प्लेस ये है कि ये वाली जो रास्ता है, जस्ट ये आप देखो, ये वाली रास्ता है, ये सीधे एक इरा होम पे जाती है, वो अंग्रेज़ों के टाइम का बहुत ही पुराना बना हुआ है। इनफैक्ट ये आप देख रहे हो, ये भी कुछ वैसे ही आर्किटेक्चर बना हुआ है, तो वहाँ पर बना हुआ है। हम सीधे इधर से चलेंगे, उसका आपको दिखाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर कोई नहीं जाता, और अपना काम ही यही है, जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ पर हम जाते हैं। तो मैं और मिनी अभी जा रही है, थोड़ा सा ऊपर कुछ काम है करके आ रही है, हम वेट कर रहे हैं उसका। हम इधर से चलेंगे, सीधे चलेंगे नीचे, नीचे सीधा डाउन जाएगी हिल, उसके बाद ऐसे पकड़ के सीधा, ये एक रूट आप देख रहे हो ना, ये नीचे से रूट, ऐसे पकड़ के हम सीधा वहाँ से इधर आएंगे। चलो चलते हैं आज, वैसे धूप तो हो गई है लेकिन तो ठंडा वेदर रहता है यहाँ ना। हाँ हाँ, कोई नहीं, हम धीरे धीरे चलते हैं, इस साइड चलेंगे, इधर चलते हैं। मैं अभी जो मॉर्निंग में आप लोगों से बात कर रहा था, चिनार का पेड़ आप देख लो, यही होता है, बहुत ही कुछ, बहुत ही कम चिनार, चिनार ये है यहाँ पे नॉर्मल, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल का लैंडमार्क, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो बता भी नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत लोग आसपास इस होटल के रहते हैं। हाँ, यहाँ पे DM ऑफिस भी है, सारा कुछ यहीं आसपास ही, एरिया उसी टाइप का भी लगता है, नहीं तो और सारे एरिया जो बहुत चहल पहल, बहुत ही क्राउडेड होते हैं, ये इतना क्राउडेड नहीं है, बहुत ही शांत, एकदम अच्छा है, बिल्कुल शांति। आप देखोगे तभी, दैट्स रीजन मैंने इसको चुना है, मैंने कहा कि इधर थोड़ा सा चलते हैं, टहलते घूमते, बहुत लोग लोकल भी इधर रहते हैं। देखो ऊपर, देखो देखो जी, यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ, तो मैं दिखाने आया था, सब ये दिखाने आए थे आप, नहीं रियली सच में, देखो अल्टीमेट ये बनी नहीं है चीजें, बिल्कुल अलग सी लग रही हैं, ये जो के टाइम का। हाँ, ये अंदर जाने लगे यहाँ से, यही तो है शायद, चलो मैं भी चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ। हर जगह पानी के स्टॉक रखे हुए हैं। हेलो, वो इसी घर के बारे में बात तो नहीं कर रहा था, घर कह रहे थे कि, हाँ कह रहा था कि अंग्रेजों के टाइम का घर है, तो ऊपर ही काफी पुराना घर एक दिखाई दे रहा है भैया। यहाँ पे कोई अंग्रेजों के टाइम का घर है ना कोई, यहाँ पे तो पता नहीं भैया, एक्चुअली मैं अभी नया हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, इशू, थैंक यू मिशू, साड़ा जो मम्मा पास, ओ हमारी हेल्प कर रही है मिशा, है मिशा, इधर नहीं चलना है आपको, मिशा इस साइड से, इस साइड, आप बोतल पकड़ लो, नो नो नो, मैं नहीं पकड़ता, मैं नहीं पकड़ता, नहीं आप पकड़ो, नो नो, मैं नहीं पकड़ता, नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं
हम धीरे धीरे शिमला की गलियों में विचरते हुए और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे नजारे आपको दिखाते हुए और खुद देखते हुए, है कि नहीं? यस, घरों कैसे व्यू है वहाँ का? ये देखिए वाला घर बोल रहे थे, ओके ओके, नाम बताया तुमने? हाँ, ये पूछ लो आप। आओ चलो चलते, कम दिस साइड मिशा। यहाँ पे कोई है नहीं क्या? अब भैया वो क्या है यहाँ पे गेट पे? हाँ, किसी का प्राइवेट है ना? हाँ जी, ऐसे तो, वो जो बता रहे थे कि ये वही है क्या? हाँ हाँ वही यही है, प्राइवेट है ऐसे। किसी कार से तो देख ही सकते हैं यार, यहाँ से व्यूज देखो। कोई रहता है जी? कौन रहता है? मैं रहता हूँ। हाँ जी, मैं रहता हूँ सर यहाँ। अच्छा, आप रहते हो? नहीं देख सकते सर, वैसे जा सकते हैं आप, ऊपर को जा सकते हैं सर, आगे तो नहीं। अच्छा अच्छा, और इधर नीचे? नहीं सर, नीचे नीचे क्या है? नीचे भी घर ही है। अच्छा, घर ही है सारे पुराने टाइम के ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक भैया, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऊपर तक जाना आप सर, सर सर को जा सकते हो। अच्छा, इधर वहाँ ऊपर भी कोई रहता है क्या? हाँ जी, रहते सर, सर घर में। अच्छा हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, बस यहीं से देख लिया, ऊपर यही वाले घर है ना, यहाँ पे देख रहे हो कोई रहता है? अभी उनसे बात हुई है, लेकिन है घर बड़ा शानदार, जैसे कॉटेज टाइप नहीं होता है। व्यू देख रहे हो आप लोग, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, और यहाँ से भी क्या शानदार नज़ारे आ रहे हैं। अलग अलग लोगों का यहाँ पे लोग रहते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे, और उस रोड पे मिलना है वो कहाँ से, अपना काम ही है थोड़ी बहुत लोकल लोकल चीज़ें दिखाना, आगे बढ़ना, आप लोगों को दिखाना। अच्छा, कि थोड़ा सा आप जाते हो तो आप बीट पॉइंट्स क्या होते हैं उन जगहों पे, अगर टूरिस्टिक प्लेस पे अगर आप जाते हो तो उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बोनस में क्या मिलता है, वो ये सारा चैनल आपको प्रोवाइड कराता है। बाय द वे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो लाइक और कमेंट जरूर करो, उससे क्या होता है हौसला बढ़ता है। और यहाँ से चलते चलते ये रास्ता एकदम से नैरो हो गया, यानी यहाँ पर ना देखो लोग ना, मुझे लग रहा है वो घर वगैरह बनवा रहे हैं ना, ये शॉप, मुझे नहीं ये शॉप बन रही, शॉप का नक्शा लग रहा है। मैं अभी आपको व्यू दिखाऊंगा। बाय द वे, ये ट्रिप बहुत ही लाजवाब रही, बहुत लाजवाब। देखो हम पुराने घर साइड आ गए हैं फिलहाल, अब यहाँ से व्यू आपको जो दिखने को मिलेगा ना वो बिल्कुल अलग ही व्यू मिलेगा। दिखाऊं आप लोगों को? ये देखो, वाओ, ओह माय गॉड, है ना, अच्छा है ना, बहुत अल्टीमेट वो पॉइंट, वहां चलते हैं। उधर से आए हैं अभी, जस्ट उस पगडंडी से पकड़ते हो, और जैसे ही नीचे आए तो एक छोटी सी मार्केट हमें दिख गई है। हम धीरे धीरे इस मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आई थिंक ये वही वाली रोड है ना जो हमारे होटल के जस्ट नीचे से आई है, तो ऐसे कर सकते हैं कि इस मार्केट तक हम पहुंच गए हैं, अब आगे जाने के बजाय हम इधर से दोबारा वापस चल चलें इस साइड से। मिनी क्या कह रही हो? अच्छा, भैया नीचे से जाएंगे तो हमने होटल की तरफ, हाँ होटल के नीचे वाले रोड पे जाओगे। ओके, ये देख रहे हो आप, आई होप आपको दिखा दें, हम इस पॉइंट से आ गए, और जो हमारा होटल था वो यहाँ था, यह हमारा होटल यहाँ लगभग है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर यहाँ पे आते हो ना तो कार्ड थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल होता है, और पेटीएम वगैरह भी लोग कम ही लेते हैं, कैश ज़्यादा इस्तेमाल, 90% लोग कैश लेते हैं। यहाँ पे चलना थोड़ा टफ है, ये देख रहे हो बचा बचा के गाड़ियाँ भी ऐसी आती है ना, व्यू पॉइंट है, ऊँचाई ज़्यादा है ना, दैट्स रीज़न। और हमारा कुछ होटल लेने का इधर ऐसे ही मूड था कि हम कुछ ऑफ बीट प्लेस पे ले, जहाँ पे हर एक एंजॉय हम कर सकें। और जी यहाँ का ये गवर्नमेंट स्कूल है, देख सकते हो आप, है ना अलग सा, आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आया ना, ऐसे ही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब किताब, नीचे भी बना हुआ है। ये गेड़ी मारते मारते कुछ ऐसा ही सीन दिख गया हमें। और आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे बेस्ट थोड़ा सा ऑफबीट प्लेस में होटल लेने का सबसे बेस्ट फ़ायदा यही होता है कि आप वहाँ की ऑफबीट चीज़ें भी देख सकते हो, साथ में लोकल चीज़ें भी देख सकते हो। देखो भोलेनाथ जी का, हाँ ये एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। और ऑफबीट प्लेस का सबसे बेस्ट और सबसे किफ़ायती चीज़, बिकॉज बजट तो हर जगह आएगा भाई, क्योंकि इस चैनल का मेन उद्देश्य ही बजट है, तो बजट में क्या है कि आपको सस्ता भी मिल जाएगा और बढ़िया चीज़ मिलेगी। मैं अपने होटल का होटल एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे देता हूँ, जाओ आप मेरे थ्रू जाओगे, परफेक्ट पैसेंजर बताओगे तो डिस्काउंट अलग से आपको मिलेगा। ये है भाई ऑफबीट लोकेशन का फ़ायदा, यहाँ से पूरा नया शिमला दिखाई दे रहा है। आप वहाँ देख रहे हो ना, उसके पीछे माल रोड है, उस पहाड़ के पीछे माल रोड है, और ये पूरा शिमला, और इधर से ही रास्ता जाता है सीधा चंडीगढ़। चलो जी मैं आपको बाहर का सीन कुछ दिखा देता हूँ, ये होटल का बाहर का सीन है, सुबह मैंने जिस पेड़ के बारे में बताया था ये है, यहाँ छोटी मोटी पार्किंग,
और दूर वो पहाड़ियों पे दिखाई दे रहा है। हम सेम इसी रास्ते से अभी होके आए हैं और फिलहाल मैं लेके फिर बाहर चलता हूँ और हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया था। चलो जी, मैं अकेला ही निकलता हूँ। निकल गए अभी और यहीं से लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट से ही आपको सारा सामान मिल जाएगा। मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, कुछ खाने का जुगाड़ करने निकलते हैं। और देख लो आप रोडें कैसी हो रखी हैं, पूरी पूरी ऐसे चढ़ाई है। वहाँ पे मैंने कुछ शॉप्स देखी थी आते हुए। आज तो दिन तीसरा दिन ऐसे गुजर रहा है, कुछ लोकल चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। चढ़ाई पे चढ़ने में कसम से मज़ा आ जाता है, लेकिन थकावट बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। काफ़ी पुराने ज़माने का घर दिख रहा है, ये पूरे मिट्टी का बना रखा है। ये देख रहे हो जर्जर हालत में हो रखा है। ना एक चीज़ मुझे पसंद नहीं, ये ना धुआं जो हो रखा है, मैंने ले भी लिया है। अब चलते हैं होटल की तरफ। होटल में भी वैसे अच्छा ही है, बट इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए। तो अभी बाहर का कुछ आइटम उठा के लेके आए हैं यहाँ का लोकल, तो आई होप मिनी को पसंद आएगा, लेके चलता हूँ। यही होता है थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेस पे रहने का फ़ायदा, यही होता है कि आप बहुत लोकल चीज़ों से जुड़ते हो, है ना, ये अच्छा है। अगर ही पास होता था तो कहाँ चेक करते थे, कालका में चेक कर लेते थे क्या? परमाणु में चेक करते थे। नहीं, अगर बाई ट्रेन से इंसान आ रहा है तो कालका में, कालका में चेक। वो जो फ्लैग दिख रहा है ना, वही चार्ज है जहाँ पे मैक्सिमम लोग फोटो खींचते हैं। हाँ, वो सब ऊपर माल रोड ही है। हम चढ़े इस होटल से, मुझे तो पहले ही लुक में बहुत पसंद आया। बाकी यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथरूम देखो कितना ह्यूज है। अच्छा है ना, ये कुछ ब्लरनेस आ रही है लाइट की वजह से, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। इन्होंने स्लीपर भी दी है। ओह दैट्स नाइस। बाकी यहाँ फैसिलिटी, ये आपकी ये वार्डरोब दिया है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, अलमीरा के स्पेस है। और यहाँ से ये पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। थोड़ी हवा चल रही है यहाँ पे, है ना। आपने जैकेट पहन रखी है? अच्छा, बालकनी में भी जा सकते हैं क्या इसमें? हाँ जी सर, लेकिन कुछ बालकनी बना नहीं है ना। ओके, तो जी आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ध्यान रखें। बाय बाय।